वजन भारी है ना शरीर का, तो इसके वजह से ना डर लगता है पैर वैर चलने के लिए। बेटे इसने पाए मिलेंगे बहुत जल्द। अभी तक का सबसे बड़ा वाला मुझे जैक फ्रूट ये मिल। छोटे खाने को दे रहे, खाने को दे रहे। तो काफी अच्छा मुझे टी शर्ट मिल गया पहनने के लिए, देखिए एकदम लाइक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अजमेर ब्लॉग में। रोजा नहीं रहता था ना तब क्या बहुत सारे ऑप्शन थे खाने पीने के लिए, कहा ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं के कुछ ना कुछ करके दिखा देते। बट अभी ऐसा सीन हो चुका है ना कि खाना पीना कुछ है नहीं, तो खाना पीने का कुछ आइटम दिखा नहीं सकते। तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कि हमें क्या आपको दिखाऊँ ताकि मतलब रोजा भी बीत जाए और आपको कॉन्टेंट भी अच्छा अच्छा मिल जाए, तो वो जरूर बताइएगा कॉमेंट करके। के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि आप लोगों के प्यारे सपोर्ट के। आज बहन का 1.5K सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी शायद क्रॉस भी हो चुके हैं जब तक ये वीडियो आएगा। आज शायद थोड़ा सा बहुत उसका स्पेशल मतलब सेलिब्रेशन भी होगा जो कि घर वाले के साथ ही होगा। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए कटहल लाने के लिए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जैक फ्रूट ना। तो अभी मैं आया हूँ अपने भैया के घर के सामने, यहाँ पर एक पेड़ है कटहर का, तो सोचा तो वहाँ पर आके तोड़ेंगे। बट यहाँ पर आने के बाद पता चला कि पेड़ तो मिला बट वहाँ पर लिटरली एक भी आपको ना जैक फ्रूट नहीं देखने को मिल रहा है, बस कुछ छोटे छोटे देखने को मिला एक दो देखने को मिला, तो वो तो तोड़ के कोई फायदा नहीं। ऊपर कहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो एक सब्जी जो ऐसा ही सब्जी बनता है ना वो बहुत छोटा हो जाएंगे उतना, तो थोड़ा सा और बड़ा होने से ना तो अच्छा भी रहता है, इतने छोटे छोटे ना भाई तो सही सब्जी अच्छा आता है बेटा सही में। तो वो वाला जो दिख रहा पेड़ जड़ में वो तोड़ने से अच्छा है तो बड़ा बड़ा देख के। हाँ चलो जी, मेरे को नहीं मैं सोचा था कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा, बट यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे दिख रहे, ये वाला भी अच्छा, ये तो ज़्यादा छोटा होगी क्या। हाँ एक एक भाभी जी मिले थे, वो बोले कि इतने छोटे छोटे वाले तोड़ के ले जाओ, ये अभी मस्त लगता है खाने के लिए। तो मैं कुछ ऐसा वाला यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा वो तोड़ूंगा, और ऊपर में भी है वो देखिए, तो ये सब मैं तोड़ तोड़ के लेके जाऊंगा। सोचा था कि बम्बू से तोड़ लूँगा आराम से, बट मैं फिर सोचा कि ऊपर ऊपर में तो फिर बम्बू से काम होने वाला नहीं है। तो अभी ये टी शर्ट है ना, और ये मतलब पैर पर चढ़ूंगा था तुरंत गंदा जगह, तो मैं अभी थोड़ा सा कोई दूसरा सा टी शर्ट पहन लेता हूँ, देन उसके बाद चढ़ूंगा ताकि गंदा नहीं होगा ना। तो यहीं पर अपना भैया का घर है तो भाई टेंशन क्या। तो काफ़ी अच्छा मुझे टी शर्ट मिल गया पहनने के लिए, देखिए एकदम लाइक। खाने को दे रहे, खाने को खाने को दो मेरे को भिक्षा दे रहा हूँ। चढ़ चुका हूँ पैर पर बहुत मुश्किल से वजन भारी है ना शरीर का, तो इसके वजह से ना डर लगता है पैर वगैरह चलने के लिए। एंड अब यहाँ से तोड़ना शुरू करूँगा, तो कुछ ये वाले जो साइज के देख रहे हो ना ये सब तोड़ूंगा। बज जाएंगे कैच इतना बड़ा हाथ लेके भी नहीं पकड़ पाया रे तू। तो अभी मैं कुछ कुछ बड़े बड़े ना जो ऐसे साइज के तोड़ तोड़ के दे दूंगा। हलो इस बार पक देखते हैं कैच कर लेगा ना पैर आ गया कोई नहीं, तू ऐसे ऐसे उठा ले, मैं तोड़ तोड़ के देता हूँ। यहाँ पर वैसे ना ऐसे वाले बहुत सारे दिखेंगे जो वो साइज वाले ना, तो मैं देख देख के तोड़ के नीचे गिरा देता हूँ। इसमें से देखिए ऐसे निकलते हैं फेविक्विक, और ये हाथ में लगने के बाद ना अलग से चिपक चिपका करता है ना भाई, अलग से लगता है। बजरंगी कैच अभी पूरा नीचे से ऊपर आ चुका है, और इससे ज़्यादा ऊपर गया ना तो फिर भगवानपुर पहुँच जाएगा, इसलिए अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर अभी ना बड़े बड़े दिख रहे एकदम सामने सामने, ये देखिए अगर मेरे पास बम्बू होता ना तो ऊपर में और भी बड़े बड़े दिख रहे, वो भी तोड़ के लेके आता, बट ना कि बम्बू अभी बहुत ज़्यादा मतलब जगह नीचे से मैं बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका तो मुश्किल होगा। बट ट्राई करेंगे जितना हो सके तोड़ेंगे, उधर में भी दिख रहे कुछ कुछ बड़े बड़े होपफुली, पर सब्जी के लिए तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े तो मज़ा आ रहा देख कर। अभी तक का सबसे बड़ा वाला मुझे जैक फ्रूट ये मिला है, सबसे बड़ा वाला, इससे सब छोटे छोटे मिले और इससे बड़े मिलते तो और भी मज़ा आता। बट यहाँ से देखिए ये गम, यहाँ से गिरने के बाद भी ऐसे ही गम मिलेगा पकड़ लोगे लो पकड़ो वहाँ तक गया था, वहाँ से अभी नीचे तो आ चुका है, एंड अब जा रहा हूँ मैं नीचे। और वहाँ से ऊपर से तो नीचे आने में इतना आराम लगा, बट अब यहाँ से ना एंड नीचे जाने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा नहीं हाँ नीचा दिख रहा है बहुत मुश्किल से। बजरंगी बहुत हेल्प किया, थैंक यू, वेलकम चलो जी अपना दिखाते कि कितना हमने कलेक्शन किया है, वो आपको ये झोला से निकाल के दिखाते हैं। आधा घंटा जैसा लगा इतना तोड़ने के लिए, क्योंकि भाई पेड़ था ना पेड़ में डर भी लग रहा था। हाँ तो यहाँ में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है बजरंगी, ये वाला ना, थोड़ा सा ख़राब है बट चलेगा, ये उसके बाद ये उसके बाद ये, बट सब्जी बन जाएगा इतना काफ़ी है। और ये ज़्यादा ही कुछ छोटा तोड़ लिया मैंने, पर पता नहीं चला था डर के मारे ना वहाँ पर वाट लगी हुई थी ना कैसे कैसे तोड़ा मुझे ही पता है।
तो अभी जो ये स्पेशल ड्रेस था जो कि भिक्षाम देही वाला, उसको चेंज करते हैं ना बदलेंगे। हाँ। उससे पहले ना हाथ वाथ धो लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा चिपक गया, गम मिला ऊपर में जाने के बाद ये। और जैक फ्रूट का जो गम था ना वो मेरे शरीर में लग गया था, वो लिटरली साबुन से कितना बार धोया नहीं हुआ। अभी फाइनली मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लगाया, अब इसमें ना आसान से बस थोड़ा सा रगड़ दूंगा, जितने भी दाग थे सब गायब हो गए। अभी साबुन से धो दूंगा, पक्का वाला हो जाएगा एकदम मस्त एंड क्लीन। जैक फ्रूट तो सारे डिक्की के अंदर चल गया एंड इसको आप बंद करते हैं। और वैसे अभी मैं सोच रहा था कि घर जा, बट उससे पहले एक जगह को थोड़ा सा मतलब काफ़ी दिन हो चुके, काफ़ी दिन का वो जगह कभी घूमा नहीं, तो आज जाएंगे घूमने के लिए और आपको भी घुमाएंगे और वहाँ जाके बताएंगे उसका स्टोरी क्या चीज़ है। स्टोरी नहीं, हिस्टोरी क्या चीज़ है वो मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। जितने भी रिसेंट व्लॉग्स वगैरह में देखते होगे तो आपको मैं जब भी आलू बारी लेके जाता हूँ तो हाईवे रोड होके लेके जाता हूँ। कुछ साल पहले वो रोड नहीं बना करता था, उससे पहले ना हम लोग कहाँ से जाते थे, यहाँ से, यहाँ पर एक नदी हुआ करता था और ब्रिज हुआ करता था। सो वो ब्रिज को नहीं, वो नदी को क्रॉस करके हम डायरेक्ट पहुँचते थे आलू बारी। और उस समय भाई यहाँ से मतलब आलू बारी जाने के लिए ना कम से कम आधे घंटे से मतलब 40 मिनट जैसे लगते क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। बट अभी ना हाईवे रोड बन चुका है जिसका वजह से ना 5 से 10 मिनट में, अगर अपना स्कूटी गाड़ी उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, 5 से 10 मिनट में आराम से आलू बारी पहुँच गया। और ये जो रास्ता अभी देख रहे हो ये जाएगा चौखाम के चार अली में, तो इधर भी एक बार जाके देख लेते क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ये रास्ता। ये वाला ठीक लगेगा ना, मैं खाने देखते छोटा छोटा हम ये छोड़ कर रहा था, फिर वहाँ पर एक जन मिले वो बोल रहे कि ऐसे तोड़ लो ये वाला अच्छा लगता है खाने के लिए। हम ही लेकर आया हम बड़ा वाला सोच रहा था और बड़ा वाला, पर वो घूम रहा था फिर बोला कि नहीं वो लेके जाओ। एक चलो ठीक है, कितना बनी हो दे देना किसी को अगर देना होगा तो। हाँ पकौड़ी बनाएगा क्या, हम इसको पकौड़ी बनाई तो अच्छा लगेगा। चलो आप सभी को पता है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो कि एक होते हैं मांस खाने वाले, एक होते हैं बिना मांस खाने वाले। और जो मांस खाते हैं ना उसके लिए तो मांस है ही, जो नहीं खाते उसके लिए ऊपर वाले ने बना दिया है नेट्रोला जो कि चिकन का अल्टरनेटिव ऑप्शन है, सोयाबीन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर है कटहर जो कि मीट के अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो मैं इसको ना कटहर भी बोलता हूँ साथ ही साथ में इसको मीट भी बोलता हूँ। अपनी बुलबुल की लाइफ एकदम मस्त है भाई साहब, जहाँ मिला वहाँ सो जाए, जो चीज़ देखा वो उसका बिस्तर। अपना तो एक लिमिट होता है कि हाँ यहीं सोना है, इसका तो कहीं पे भी नहीं, कभी यहाँ पर, कभी बिस्तर पर, कभी कम्बल पर, एवरीवेयर इसका बिस्तर। सभी का रिप्लाई हो गया, सबका दे दिया ना भाई दस, तो कभी सकीना रिप्लाई देती, कभी सबीना रिप्लाई, दोनों मिलकर रिप्लाई करते हैं क्योंकि इन दोनों का ज़्यादातर कॉमेंट आता है। एंड अभी कैसा लग रहा है सबीना रोज़ा में, मज़ा आ रहा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है थोड़ा दिन रुक गया भाई साहब। ऐसे थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि आप जब भी रोजा रखते हो ना तो बिस्तर को, बिस्तर से दूरी रहे, बिस्तर जहाँ आपने पकड़ लिया उसके बाद से आपको एक अलग से फील होगा कमजोरी जैसा, इसलिए ना ज्यादातर बाहर रहिए, बिस्तर से दूर रहिए। क्या लगाएगा मैं अभी मिर्चा, ये साफ सफाई किए है उसके बाद उधर में जितने भी घास थे ना दाव से मार मार के साफ करवाए, सुबह से करे रहे हमें, थका नहीं हमें, नहीं हिम्मत है अमी का। तो सकीना का अभी वन के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वन के लिए उसने बोला था कि मैं दूंगा अपने तरफ से पार्टी, तो अभी चाहते हैं अंडा वगैरह लाने के लिए क्योंकि आज अपने घर पे बनेगा अंडा बिरयानी। अपना अंडा हो गया 10 पीस और यहाँ पर हो गया KRT चावल जो कि 100 रुपीज़ के, 2 किलो 200 ग्राम लिया, पता नहीं ये तो एक्सेस हो जाएगा फिर भी लेके जाएंगे, तो यही कुछ है अपना सामान। यहाँ पर सभी लोग बाहर में निकल कर यहाँ पर देख रहे हैं एक डांस, गौर से देखो आप लोग गौर से, वहाँ पर है एक प्यारा सा स्नेक, प्यारा सा स्नेक, कम हियर, बेचारा आज बहुत ज़्यादा धूप है ना तो वो निकला होगा, पर कहाँ से निकला मालूम है। अम्मी जितना बाजार अम्मी के तरफ जा रहा है। ये वाला सीन देखना मुझे और एक दिन का, एक दिन का और याद आ रहा है, जब मैं वीडियो नहीं बनाता उस समय एक और सांप निकला हुआ था, तो वो बेचारे को हमने ना फिनाइल तक डाल दिया उसके चेहरे पर, लिटरली वो हिला नहीं, एक्चुअली मेंढक था वो, तो मेंढक को मेंढक नहीं खाता तब तो हिला नहीं। अभी देखते फिर से हम ट्राई करने वाले फिनाइल, भाग जाएगा पक्का। देखते ना पिछला बार याद है ना एक बार, हाँ नहीं भागेगा। अच्छा ये लकड़ी में मत फेंक, लकड़ी में नहीं थोड़ा आगे में फेंक, नहीं होते तो दे हम फेंकेगा, हाँ और वो पूरा कोना जितना कोना करके, हाँ आप भागा, आप भागा, फेंक फेंक, अरे अरे हाँ कोने में फेंका, मैं चल जा जा ये कुवाल में क्यों फेंक रहा है, कोने में फेंक, भाग गया तो फिर गला फिर से दे दे हम फेंकता है। वो फिनाइल करके पानी करके डाल दे, लिटरली वो यहाँ से निकल नहीं रहे,
ये देखिए यहीं पर, नहीं नहीं वो लकड़ी का नीचे बैठा हुआ है। एक चीज़ आप सभी को बता दूँ, ये फर्स्ट टाइम होता तो शायद मैं नहीं बताता, ये सेकंड टाइम हो चुका है। जो फिनाइल होता है ना, जो साफ भाग देंगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता, पूरा यूजलेस है भाई। मैं एकदम आपको खोल के बोल रहा हूँ, सांप को मैंने कितने सुपर नहला दे लिटरली, वो भी अभी इस लकड़ी के नीचे ही बैठा हुआ है, मजे से बैठा हुआ है और थोड़ा भी मूवमेंट नहीं। और फिनाइल किस लिए होता है कि मतलब लाइक सांप वगैरह कीड़ा वगैरह कोई घर पे ना आए, इसके लिए होता है स्पेशल। बट पूरा बाय 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 ब्यूटी स्नैक, बाय, मिलेंगे बहुत जल्द। यू आर सो लकी कि हम थे, अदरवाइज कोई और होता तो तुम ना रहते। ही इज ट्राइंग टू क्लाइम दिस बम्बू बट ही ऐसा ही नहीं सी और ही पता नहीं अनसक्सेसफुल। आगे की ओर बढ़ते हुए फिर से हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं अपने घर के सामने से। यहाँ पर है हमारे घर पर एक प्यारा सा स्नैक जो कि अभी जंगल के बीचों बीच कहीं गुम हो चुका है। और अगर ये सांप अगर हमारे उस तरफ में भी कहीं पर भी जाए तो बाद में हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज दिस इज़ आवर रोड आना जाना, और ये अगर कहीं उधर में रही तो कभी भी अटैक मार देगा। ओके ओके, लेकिन आने के बाद बोलती है कि अगर इसका मैं बनाऊंगा बिरयानी तो भूसा बन जाएगा, तो अभी इसको फिर चेंज करके लेकर आना है बासमती चावल। तो बासमती चावल वहाँ पर 80 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो कुछ मिलेंगे 100 रुपये के, कितना मिलेंगे पता नहीं। अभी नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, लिटरली मेरा ना ये वाला एक साइड में पता नहीं क्यों दर्द होता है, कभी ये वाला दर्द होता है कभी ये वाला दर्द होता है, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। और यहाँ पर देखिए अपना अम्मी एकदम मस्त लगी हुई बेटी से बात करने की, पूरा मजे से बात करे, करने दो। और मुझे ना लिटरली बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ, और प्लस इतना मस्त बिरयानी बना हुआ है, अंडा बिरयानी, उसका खुशबू सुन के तो और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अभी जल्दी से खाना निकालते हैं और बैठते हैं खाना के लिए। छोटे खाने को दे रहे, खाने को मेरे को भूख लगा है, बने को खाने को दे रहे, जल्दी से जल्दी। मैंने अपना डिनर निकाल लिया और यहाँ पर अम्मी और अब्बा बैठे हुए हैं और इन लोग इनका खाना आ रहा है, तब तक मैं बैठ के खाता हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। बिस्मिल्लाह करते यानी वगैरह खा लिया एंड अब बारी है सोने का। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, व्लॉग के साथ कमेंट करके बताइएगा एंड कल मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।